हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद गुप्ता और आज का जो मेरा वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको पता ही नहीं होगा और अगर आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे, उस मेडिसिन को फॉलो करेंगे, तो आपके ओवरऑल हेल्थ और ओवरऑल वेलनेस में भी बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। आपके दिमाग में जो स्ट्रेस है वो रिलीज होगा। आपको पता है कि जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक मेलाटोनिन करके एक हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बार आपने देखा होगा कि आप रात भर सोए हैं और जब सुबह उठते हैं तो बहुत चिड़चिड़ापन आता है आपको, मतलब आपको एकदम दिमाग में चिड़चिड़ करता रहता है, बिकॉज आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाया है। दिस बिकॉज ऑफ ड्यू टू स्ट्रेस। और ये जब हमारी बॉडी में स्ट्रेस बढ़ता है तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां भी साथ ही साथ बढ़ने लगती हैं। तो एक होता है स्ट्रेस हार्मोन, एक होता है स्लीप हार्मोन। जब हम सोते हैं तो मेलाटोनिन बॉडी के अंदर, ब्रेन के अंदर रिलीज होता है, जो हमारे ब्रेन को रिलैक्स करता है। जिस तरीके से हमारी बॉडी को रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, हमारे मसल को, हमारे ओवरऑल बॉडी के सेल्स को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है और रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारे ब्रेन को भी रिलैक्स होने की ज़रूरत होती है। अगर आपका ब्रेन रिलैक्स नहीं है तो आपका पूरा दिन खराब जाएगा। और जैसे मेलाटोनिन होता है, ऐसे ही सेरोटोनिन होता है, विच इज़ अ डे हार्मोन, जो और ऐसे बहुत सारे बॉडी के अंदर और भी हार्मोन होते हैं, डोपामिन होते हैं, डोपामिन होते हैं, जो कि बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में काम करते हैं। तो आज हम बात करेंगे मेलाटोनिन के ऊपर, ये क्यों इंपॉर्टेंट है और ये बाकी बीमारियों के लिए भी कैसे वर्क करेगा, बिकॉज ये स्किन को भी हेल्दी बनाता है, हेयर लॉस के लिए बहुत इफेक्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। आपको पता है कि अगर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन का सेक्रेशन स्लो है या नहीं हो रहा है तो आपको हेयर लॉस भी बढ़ सकता है। आपके जो एनाजिन होती है, जो हेयर की साइकिल होती है, एनाजिन, कैटाजिन, टिलोजिन, तो एनाजिन फेज में बाल ग्रो करता रहता है, कैटाजिन फेज में बाल इंटैक्ट रहता है, टिलोजिन फेज में बाल झड़ जाता है। तो ये जब हार्मोनल डिसरप्शन होता है, तो ये जब बॉडी के अंदर कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है तो हार्मोनल डिसरप्शन होता है, जिसके कारण ये हेयर लॉस बढ़ जाता है। तो जब हम मेलाटोनिन लेते हैं तो ये उस चीज़ को काउंटर एक्ट करता है और उस चीज़ को कंट्रोल करता है, तो आपके हेयर लॉस भी कंट्रोल करेगा। स्किन की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लाइक स्किन में सोरियासिस होता है, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस होता है, विटिलिगो होता है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, ये भी जब बॉडी के अंदर इंक्रीज कॉर्टिसोल लेवल होता है तो ये बीमारियाँ भी पनपने लगती हैं। तो जब हम मेलाटोनिन लेते हैं और ये हमारे ब्रेन में जा के हमको एक बॉडी को, ब्रेन को रिलैक्स करता है और ये स्लीप साइकिल को भी प्रॉपर करता है। आपने देखा है कई बार जेट लैग होता है, आप यूएस जाते हैं, आपके बहुत कोई फ्रेंड फ्रेंड यूएस गए होंगे या फैमिली मेम्बर यूएस अमेरिका गए होंगे, तो यहाँ पे अगर दिन है तो वहाँ पे रात है, तो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपकी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है, तो वहाँ पे मेलाटोनिन की टैबलेट दी जाती है ताकि आपकी स्लीप साइकिल को हम प्रॉपर बैक टू नॉर्मल ला सकें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर चीज़ में, और ये ओवरऑल हेल्थ में भी इंपॉर्टेंट है। आपकी ओबेसिटी, जब कॉर्टिसोल का लेवल इंक्रीज होता है तो आपकी ओबेसिटी होने लगती है, बीपी की बीमारी होने लगती है, हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको एंजाइटी का लेवल बढ़ जाता है, आपको स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, पैनिक डिसऑर्डर होने लगता है, हार्मोन इंबैलेंस होने लगता है, एंजाइटी होने लगती है, डिप्रेशन आने लगता है, ये बहुत सारी चीज़ों में अफेक्ट करता है जो कॉर्टिसोल का लेवल जब इंक्रीज होता है तब। तो ये आपके, आपको बहुत ज़्यादा, आपने एक चीज़ देखा, जब आप बहुत टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, आपके एक्ने आने लगते हैं, तो ये उस चीज़ को भी ख़त्म करता है, मतलब ये ओवरऑल जो कॉर्टिसोल का लेवल है उसको डिक्रीज करेगा, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ, विच इज़ मेलासर्ज, दिस इज़ मेलाटोनिन, मेलाटोनिन विद जटामासी। ये सॉफ्ट लॉन्जेस है, आपको बकल में रखना है, मतलब एक इस टाइप से लॉन्जेस है, इसको लेना है और बकल में यहाँ पे दबा लेना है और धीरे धीरे उसको चूसते रहना है। जब आप उसको लेंगे, आपको रात में सोते समय इसको लेना है, तो जब आप उसको लेंगे तो ये मेलाटोनिन का सिक्रीशन आपके बॉडी में करेगा और साथ ही साथ इसमें जटामासी, जो कि बहुत सारे अच्छे इफेक्ट आपके बॉडी में और ज़्यादा देगा, या आपके जो कॉर्टिसोल लेवल का लेवल बढ़ा हुआ है, इंक्रीज है, उसको भी डिक्रीज करेगा, साथ ही साथ आपको एंटी एजिंग में इफेक्ट करेगा, आपकी स्किन को हेल्दी करेगा, आपके एक्ने पे वर्क करेगा, आपके हेयर लॉस पे वर्क करेगा, हेयर ग्रोथ को फास्ट कर देगा, ये आपको स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा, आपकी नींद बहुत अच्छी आएगी, आप जब रात सुबह उठेंगे तो आपका दिमाग एकदम ठंडा रिलैक्स रहेगा, आपको लगेगा यार क्या नींद आई है, क्योंकि जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा हुआ होता है तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब हो जाती है, और जब स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है तो आप प्रॉपर सो नहीं पाते हैं, आपका पूरा दिन खराब जाता है और स्लोली स्लोली धीरे धीरे आपको डार्क सर्कल आना चालू हो जाते हैं। तो ये उन सब चीज़ों को भी कंट्रोल करेगा लॉन्ग टर्म में, नॉट ऐसा नहीं कि आपने एक गोली खाई और अगले दिन आपको डार्क सर्कल गायब, अगले दिन आपके बाल लंबे लंबे हो गए, नहीं, ये बॉडी में ओवरऑल कॉर्टिसोल लेवल का जो लेवल बढ़ा हुआ है उसको कंट्रोल करेगा, उसको डिक्रीज करेगा। इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन को भी कंट्रोल करेगा। तो ये आपके
स्ट्रेस बॉडी के अंदर, जो भी स्ट्रेस है उसको कंट्रोल करेगा, एंजाइटी लेवल इंक्रीज है तो उसको भी डिक्रीज करेगा, स्लीप साइकिल को रेगुलेट करेगा, आपकी स्किन की स्किन को ओवरऑल हेल्दी बनाएगा। जब आपको आपका ब्रेन बहुत अच्छे से वर्क करेगा ना, तो आपके ओवरऑल सेल बहुत अच्छे से वर्क करेंगे, बिकॉज ब्रेन ही है जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर वही प्रॉपर रिलैक्स नहीं हो पा रहा है तो ओवरऑल चिड़चिड़ापन, डिप्रेशन, एन्जाइटी, ये सब चीज़ें आने लगती हैं स्लोली स्लोली। तो गाइज, अगर आपको कोई भी ऐसी इशूज़ हैं, अगर आपको देखो, सिंपल सी बात है, ये हर कोई ले सकता है, इसमें ऐसा भी नहीं है कि कोई नया ले, ये कोई भी एज का, कोई भी मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, चाहे डायबिटीज़ हो, चाहे बीपी हो, या कोई भी बीमारी है, अब वो हर कोई इंसान इसको ले सकता है। इसको रात में आपको लेना है, इट्स वेरी सेफ, इसको जस्ट लेके आपको डेली सोना है। इसको लेंगे ना, आपको लाइटें बंद कर दीजिएगा, ये कोई नींद की गोली नहीं है, बट इसको लेने के बाद आपको बहुत अच्छी साउंड स्लीप आएगी। अपना फ़ोन वाइब्रेट पे रख दीजिए, वाइब्रेशन से भी हटा दो, मैं एकदम उसको वो कर दो ताकि कोई भी डिस्टर्बेंस आपको ना हो। जब आप प्रॉपर नेक्स्ट डे उठेंगे तो आपको दिमाग एकदम रिलैक्स, एकदम ठंडा मिलेगा ना, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। और स्लोली स्लोली ये आपके हेयर लॉस को भी कंट्रोल करेगा, आपके स्किन के डिसऑर्डर्स, विटिलिगो है, या कोई भी आपकी बीमारियाँ हो रही हैं, एट्रोपिक डर्मेटाइटिस हो रहा है, कोई भी स्किन इश्यूज़ हैं, या आपको कोई भी ओवरऑल बॉडी के अंदर बीमारी चल रही है, उसको भी कंट्रोल करेगा। वो कॉर्टिसोल लेवल को कंट्रोल करेगा, जिसके कारण आपकी सारी बीमारियाँ भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ जाएंगी। तो गाइस, ये मिलेगा कहाँ पे? ये मिलेगा www.lascomic.com पे। प्लीज़ इसको लीजिएगा ज़रूर, और मैं चाहूँगा कि अगर आपको कोई बीमारी है या नहीं है तो भी आप इसको लीजिए, बिकॉज ये आपके आज की डेट में हम सबको स्ट्रेस है, हमें पता नहीं होता है, हम सबको डिप्रेशन है, कहीं ना कहीं हम सबको कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आ रहा होता है, या सबको होता ही है और हमें पता नहीं होता है, जिसके कारण हमारी ओवरऑल जो सोशल लाइफ है वो भी डिस्टर्ब हो रही होती है, हमारी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो रही होती है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो ही रहा होता है। तो गाइस, प्लीज़ इसको लेना स्टार्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा है, ये आपको ओवरऑल बॉडी को हेल्थी भी बनाएगा, आपके हेयर स्किन सब में काम करेगा, और आपको दिमाग को भी ठंडा रखेगा। अगर आप खुश रहेंगे तो ओवरऑल आपकी सोशल लाइफ भी बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेगी। तो गाइज, मेरे आईडी है डॉक्टर अरविंद गुप्ता, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा, कोई भी डाउट है मुझे वहाँ पे आके मैसेज कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूँगा। और इसकी कॉस्ट है आई थिंक जस्ट 446 रुपीज़ का, ये 10 लॉन्जेस आते हैं, आपको डेली एक लॉन्जेस को बकल एब्जॉर्प्शन कराना है, मतलब आपको मुँह के यहाँ पे गाल के बाजू में रख के बस ऐसे रख लेना है और धीरे धीरे वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बिकॉज अब बकल एब्जॉर्प्शन तो लीवर बाईपास करके फटाफट एब्जॉर्ब करके बॉडी में जाता है और रिजल्ट्स फटाफट देना चालू रहता है। तो इसके बाद देने के बाद आपको ना बहुत ज़्यादा अच्छी सी प्यारी सी नींद आएगी, बहुत अच्छी नींद आएगी, साउंड स्लीप आएगी। तो अगर आपको नींद की दिक्कत है, कि अगर आपको स्लीप प्रॉब्लम है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसका कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, जैसे नींद की गोली नहीं है, कि ये नहीं कि आप इसको, हाँ बस इसको लेने के बाद ड्राइव मत कीजिएगा प्लीज़, बिकॉज ये मेलाटोनिन हार्मोन है, इट्स अ हार्मोन, जब हम सोते हैं तो दिमाग के अंदर रिलीज होता है, जिससे ब्रेन रिलैक्स होता है। जब हम डे में होते हैं तो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है, तो हम डे एक्टिविटी कर पाते हैं, तो है ना, डे ओवरऑल एक्टिविटी होती है, तो वो सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है। मेलाटोनिन हमारे ब्रेन में जब हम सोते हैं तब रिलीज होता है, बट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और बहुत से कॉज के कारण वो कई बार रिलीज नहीं होता है, आपको स्लीप सो नहीं पा रहे हो, आप इधर उधर घूम रहे हो, आप नहीं प्रॉपर स्लीप ले पा रहे हो, तो वो रिलीज नहीं होता है, तो आपके ओवरऑल ब्रेन रिलैक्स नहीं हो पाता, जिसके कारण आपकी बाकी बीमारियां चालू होने लगती हैं। तो गाइज, इसको लेने के बाद आप प्लीज़ गाड़ी में चलाइएगा, इसको जब सोएं उस समय इसको रख लीजिए बकल में, और 10-15 मिनट में ये पूरा इधर हो जाएगा और आराम से सो जाओ, और अगले दिन बहुत ही फ्रेश होके उठो, और थैंक यू बोलो मुझे आके कमेंट बॉक्स में, ठीक है? और मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहूँगा, ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा लोगों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, और प्लीज़ लीजिएगा ज़रूर, ये मिलेगा आपको www.lascomic.com पे।